हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड। गदरपुर के गांव में सस्ते गल्ले की दुकान पर संदिग्ध चावल बांटे जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि चावल प्लास्टिक दाने जैसा लग रहा है और इसे खाने से कोई बीमार भी हो सकता है। वहीं राइस मिलर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल नारंग ने बताया कि सस्ते गल्ले की दुकान से जो चावल बांटा जा रहा है वह भारत सरकार की एक विशेष प्रकार की योजना के तहत बांटा जा रहा है। इस चावल में समस्त प्रकार के विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन मौजूद हैं। इसमें कुपोषण समाप्त करने में सहायता मिलती है और विशेषकर गर्भवती और कुपोषित बच्चों के लिए अति लाभदायक चावल है। देखिए, ये गरीबों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सारे गांव के जनता मेरे पास सारे अपना अपना चावल लेके और शिकायत है कि वो लोग कह रहे हैं कि भाई इसमें प्लास्टिक का चावल है, पता नहीं क्या है। अब इसकी मुझे जब जानकारी मिला तो मैं खुद स्वयं देखा उसको, वास्तव में वो चावल नहीं है और कोई चीज़ मिलावट करके ये दिया गया है, तो इससे बीमारी फैलने का अंदेशा है, क्या पता इससे मृत्यु भी हो जाए, ये नौबत आने वाला है। तो मैं इसकी जनता के बीच में मैं इस चीज़ को देखा व आपको मैंने बुलाया, इसीलिए कि आप अभी स्वयं देखिए मीडिया वाले, और ये अगर वास्तविक इसमें कुछ मिलावट है प्लास्टिक वाला तो इसकी उच्च स्तरीय कार्रवाई करना चाहिए। जो शासन से जो भी कार्रवाई होता है कि जनता के साथ खिलवाड़ ना हो, स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए और उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई, डिपो को निरस्त किया जाए। हर खबर पर है हमारी पहली नजर, उत्तराखंड की बुलंद आवाज। आप देख रहे हैं न्यूज पोर्टल उत्तराखंड।